अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हमारा स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट देने का दिन खत्म हुआ और ये करीब जनवरी फरवरी ये मार्च का महीना था, ये प्रैक्टिस कर रहे थे और थियोरी भी सीख रहे थे। इनके रवानगी से पहले मैं सोचा कि इनके साथ एक बार बात कर लूँ और एयर फ्रेस सॉल्यूशन के बारे में इनको पूछूँ। तो पहले फिरदौस भाई, एयर फ्रेस सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगेगा जो यानी मुझे काम करने में प्रॉब्लम जाती थी, स्कीमैटिक उतना नहीं समझता था, फिर मैंने ऑनलाइन वीडियो देखे, धीरे धीरे मुझे स्कीमैटिक का नॉलेज आया, फिर मैंने इधर आके सीधा ऑफलाइन कोर्स किया। ये पे सॉल्यूशन में स्कीमैटिक हमारा कोर है। स्कीमैटिक बहुत लंबा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है, ये 2 महीने नहीं 2 साल सीखा तो भी कम लगेगा। ये बहुत लंबा और बहुत गहराई में सिखाया है। इवन छोटा एक सर्कल रन दे, आरोमा रन दे, कलर रन दे, क्या बताता है ये गेम चेंजर क्या है, वर्क प्लेस क्या है, गोल क्या है, ये सब कुछ बताया है। नियाज भी आपने एक बार बोर्ड पे करके स्कीमेटिक को ट्रेस किया, अगर आपको याद है तो, ये 3 स्टेट का। तो आप खुद जब बोर्ड में करके स्कीमेटिक को ट्रेस किया, आपने तो पहले भी कोई इंस्टीट्यूट में कोर्स भी किया है, तो अभी आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन में आने के बाद? आप एक दिन डेमो क्लास में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह डेमो क्लास के बाद एफएस को ज्वाइन किया आपने। बस क्या है व्यूअर्स को सच बताना है, क्या है उनको सच बताओ, ये एफएस आने के बाद कैसा लगा और क्या सीखे और इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? मैं लगभग मेरा जर्नी सर 1 साल से था, मैं 2 इंस्टीट्यूट घूमा आया हूँ, लेकिन मेरे को उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, जहाँ उतना पढ़ाया लेकिन मेरे को ड्रेस अप नहीं हो पा रहा था जितना। तो फिर मैंने आपका ऑनलाइन वीडियो भी देखा, तो आपको कॉन्टेक्ट करके मैं दोनों क्लास में एक मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद में और ड्रेसिंग जो आपने स्कीमेटिक में दिखा सर, वैसा ये पहली बार ऐसा देखा सर, जो डीपली जो दिखा देते हैं जो ब्लॉक डेटा सिग्नल वाइज आता है ना, तो इसमें यहाँ यही पहली बार मैंने देखा है कि इसे बारीकी से इस तरह पढ़ भी सकता है। मतलब जैसा रहता है कि सर स्टार्टिंग पे जो उसका मॉस्फेट देख के छोड़ देते हैं, लेकिन मॉस्फेट को भी पहचानने का सिंपल तरीका आपसे सीख रहे हैं। घुमा जी आप हैदराबाद से है? जी हाँ। आप भी पहले डीवीडी लिया था, उसके बाद ऑफलाइन कोर्स भी है, आपको क्या रहने का फैसिलिटी कैसे था? क्योंकि कोई घर से दूर से आता है तो माँ बाप को फिक्र रहता है कि अकोमोडेशन कैसा रहेगा, माहौल कैसा रहेगा, मेरा बच्चा क्या सीखेगा, खाने का सहूलत या रहने का अंदर। ये 2 महीने का तुम्हारा जो कुर्बानी है, क्योंकि आपने जान माल वक्त तीनों का कुर्बानी दिया, ये कुर्बानी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप व्यूअर्स? मैं एफएस सॉल्यूशन में आया था तकरीबन 2-3 मंथ पहले आया था, आके सर से कोई ऑफलाइन कोर्स सीखा और यहाँ रहने के फैसिलिटीज भी अच्छे हैं, खाने पीने का फैसिलिटी भी सब अच्छा है, सर सब इंतजाम करके देते आप रहने की फैसिलिटी ऐसा। और सीखने के मामले में आपको मालूम है रवि सर स्कीमा गुरु है, स्कीमेटिक सीख लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाता बोर्ड रिपेयर करना, बहुत अच्छी फील्ड है ये, आप भी आइए सीखिए। शुक्रिया। हमारे इसमें नॉट ओनली लैपटॉप रिपेयरिंग का सिखाते हैं, हम लाइफ को कैसा जीना मोटिवेशन भी देते हैं, कुछ बहुत स्टूडेंट्स का हम मिसाल भी देते हैं कि इस फील्ड में बहुत लोग होप छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनको जो सक्सेस हुए स्टूडेंट्स का उनके बारे में भी हकीकत बताया कि जैसे कि आप जानते हैं आज बच्चे हैं, कुछ बच्चे 80,000 सैलरी कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, हाँ या ना, और 35,000 सैलरी है, बहुत बच्चों का करियर भी बना है इसमें, रोजी रोटी कमा रहे हैं, हलाल की रोजी रोटी अपने हुनर से, करेक्ट नहीं? इसी तरह आप बच्चों को भी मैंने एफएस बड़ा बंडल का जो भी डेटा था ये सब आपको मैंने फ्री दिया, मैंने चार्ज नहीं लिया, करेक्ट? क्योंकि आपका ऑलरेडी लंबा कुर्बानी था। ठीक है सूरज जी। सर सूरज आप बताओ, आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी एफएस सॉल्यूशन को उतनी दूर से कोलकाता से ढूंढ के आए, तो एफएस सॉल्यूशन पहले क्या है? मेरे से बात करने के लिए पहले बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि यूजली मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा मिजाज आपके साथ कैसा था? फ्रेंडली था, मस्टिक था, एज ए भाई था या टीचर था, कैसे था मैं आपके साथ? मेरा नॉलेज हंदे और मेरा बिहेवियर हंदे कैसा था, क्या बताना चाहते हैं? हम बताना यही चाहते हैं कि यहाँ हमारे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रहा सर का, जो जितने भी बोले काम है सारे हिसाब से, लेकिन नो डाउट किसी तरीके की तकलीफ नहीं होने दिए सर हमारे साथ, जो भी प्रॉब्लम है सर के साथ
किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, हर तरह से मदद किए सर, कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसको सपोर्ट किए, नो डाउट हर एंगल से, पढ़ाने से लेके रहने से लेके किसी भी तरह का चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं हमें फेस करने दिए सर उनको भी। और नो डाउट हमने यहाँ पर कम से कम 2 महीना में करीबन 40-50 बोर्ड नो डाउट बनाया सर की मेहनत से, अपनी मेहनत से, और सर की सपोर्ट उसमें बहुत बढ़िया रहा, नो डाउट बहुत अच्छे काम हुए। इसका मतलब आपने इंडिविजुअल का लैपटॉप भी रिपेयर किया 2 महीने में? जी सर, नो डाउट इसमें थोड़ा नया सीखने को भी मिलेगा, डर भी बाहर गया। जी सर, लेटेस्ट बोर्ड में उतने अनुभव नहीं थी हमें, तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट बोर्ड रेगुलर आते थे, हफ्ते में 10-15 लैपटॉप आते थे, उन पे हम काम किए, तो बखूबी हमारी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बढ़ गई, नो डाउट तो काम में अभी परफेक्टनेस बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में 30 मिलीसेकंड के बारे में कुछ सीखा आपने? जी सर, मुझसे बहुत चीजें आप कवर कर पाएंगे कि आपकी बोर्ड का कंडीशन किस स्टेट में है, आपका बोर्ड किस लेवल में फंस रहा है, आप डायग्नोस कर सकते हैं उसकी सहायता से, और प्रोटेक्शन उससे बहुत अच्छा रहता है, बोर्ड में किस तरीके का दिक्कत है तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं, ये 30 मिलीसेकंड का बहुत खुश होती है। और वली आप तो बिल्कुल फ्रेशर है फील्ड में, फ्रेशर को भी मैसेज देना, जैसे हम मैं हकीकत में डे वन से अपने बताता हूँ कि फ्रेशर को या 1 महीने में 2 महीने में कोर्स नहीं कर सकता, ये एक सफर है, एक जर्नी है। जैसे आप भी फ्रेशर है, आप जानते हैं कि आपको फुल कंप्लीट एक अच्छा इंजीनियर अपने पैरों पर खड़ा होना या कोई कंपनी में काम करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो आप लोगों को 3 चीज सीखना है, एक पहला थियरी, दूसरा है प्रैक्टिकल, तीसरा है एक्सपीरियंस, इलम हुनर तजुर्बा, 3 चीज होना, इलम मतलब नॉलेज, हुनर मतलब टैलेंट, तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस। तो आपके इसमें अभी क्या हुआ, 2 महीने से आप भी सीख रहे हैं, तो आपका जर्नी कैसा है और आपको अभी क्या करना है, फ्रेशर्स को क्या मैसेज देंगे? साल अच्छा हो गया, कुछ ये फील्ड में कुछ भी नहीं माना, इधर गया और जो साल सोचिए पता है, और सिमेटिक्स का तो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो गया, हर एक साल अच्छा से समझा, मतलब फ्रेशर के लिए हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से भी शुरू करते हैं, और मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ, जितना कॉम्प्लिकेटेड हाई फाई बी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिखाता, इतना सिखाता हूँ जिससे हमारा बोर्ड रिपेयर हो जाए। और इमरान यहाँ आप सेकेंड राउंड में प्रैक्टिस किया, उसके बाद एक कंपनी में भी काम को गए, वहाँ आप लैपटॉप छोड़ के डेस्कटॉप आपको रिपेयर देना स्टार्ट करें, क्या आपको डेस्कटॉप रिपेयर करें? डेस्कटॉप रिपेयर, मैं तो डेस्कटॉप नहीं सिखाया, लेकिन ये थियरी के नॉलेज से आप डेस्कटॉप रिपेयर करें सर, इसका मतलब अगर जो स्कीमेटिक सीखता है ट्रेसिंग, क्या डेस्कटॉप भी रिपेयर करना पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। और हमने क्या है, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें हम हर स्टूडेंट के लिए यहाँ इंडिपेंडेंट सेटअप है, मतलब हर एक बच्चे के लिए एक माइक्रोस्कोप, इंडिपेंडेंट माइक्रोस्कोप है, मॉनिटर है, डीसी पावर सप्लाई है, एसएमडी ब्लोअर है, और सॉल्डर गन है, माइक्रो सॉल्डर गन, हर चीज हमने दिया है, हाँ या ना? क्या है दूसरे इंस्टीट्यूट में इतना फैसिलिटी है? नहीं। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो पैसा है क्या वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर जो आप हमारे को दे रहे हैं 30,000 2 महीने का, क्या है वैल्यू फॉर मनी है? क्या आप इसको इनकैश कर सकते हैं? सीखते ना, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये ऑफिस का चाबी, ये 2-3 महीने से अब जो है ये चाबी किसके पास था? हमारे पास, मतलब एएफएस का चाबी एएफएस के पास नहीं रहता, एएफएस का पूरा इंस्टीट्यूट का चाबी जो है हम स्टूडेंट्स को ही दे देते हैं। क्या हमने कभी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन किया है? नहीं, ये टूल्स नहीं छीना, वो टूल्स नहीं छीना, इसको नहीं छीना, बीजे नहीं करना, ओवन नहीं करना, या माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना, सॉल्डर यूज नहीं करना, ऐसा कोई कंडीशन दिया है? नहीं सर। या कोई टाइम लिमिट है कि सवेरे आना 2 घंटे में भाग जाना? नहीं, टोटल नाइट दिन में रहो, पूरा दिन चाबी आपके पास ही था, हाँ या? मैं एक्चुअली एक मेहमान के जैसा आता था, करेक्ट है, आप ओनर थे, स्टूडेंट्स एएफए सॉल्यूशन के ओनर थे, मैं इनका मेहमान था, मैं आता था। हम क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं रखते, सबको फुल फ्री दे देते, तोड़ो फोड़ो जो करना है करो। मैं अभी भी इनको ओपन बताया हूं कि आपको जितना सीखना है आके सीखो, इसकी माँ का पूरा टूल्स टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बेजान चीज, नया मंगाएंगे टूल्स, लेकिन आप सीखो, 1 राउंड नहीं 2 राउंड मारो, 2 राउंड नहीं 4 राउंड मारो, लेकिन सीखो। जिस दिन आप बोर्ड्स रिपेयर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ये कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं बोलता कि 10 बार आओ
दस बार बोर्ड रिपेयर करो, दस बार सीखो, जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता आपके लिए एफएस का दरवाजा, दिल और दरवाजा दोनों खुला है। Am I right? Yes, sir. और आपको एक नया बक कंट्रोल बनाने का सिखाया मैं, एक्स्ट्रा फ्रेम कट करके, करेक्ट नहीं? एक बोर्ड को लेना, एक्स्ट्रा फ्रेम से कट करना, एक बक बनाना, क्या आप लोग बनाए? और उससे आपने सीखा कि हमारे को बिना बोर्ड के हम सिर्फ एक बिस्किट में वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। Yes. कब? अगर हमारे को स्कीमेटिक सीखना आना और आईसी का पिन डिटेल्स आना आया ना। Yes. और क्या मैसेज देना चाहते हैं एएफएस सॉल्यूशन के बारे में, मेरे बारे में, आपकी फैसिलिटी के बारे में? यहाँ जो है क्या बच्चे आना चाहिए एएफएस सॉल्यूशन में, क्या वो प्राइस टैग को देख के दूसरे इंस्टीट्यूट को जाना है या हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है? असली मैसेज क्या है? क्योंकि आप तो दो तीन जगह पैसा अगर गवाया है, अगर यहाँ सेटिस्फाइड है तो दीन क्या बोलता है, जाने का गम रहना कि मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूं, और सीखने का फिकर या तो वापस आने की फिकर या और सीखने की फिकर। क्या आपको और सीखने की ख्वाहिश हो रही है? सच बोला। क्या अभी दो रमजान का छुट्टी है, क्या आपको जाने का गम है? ये फैसला सच बोलो। ऐसा लग रहा है हमारे रिलेशन को छोड़ के किसी को दूर जा रहा है। आपको ही नहीं, मेरे को भी गम होता है। कोई बच्चे यहाँ से रुखसती लेते हैं, रवानगी लेते हैं, वापस जाते हैं, तो मेरे को भी गम होता है कि इतने महीने से मेरे साथ जुड़ते रहते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, मजाक मस्करी होता है, नॉलेज सीखते हैं, हर चीज सीखते हैं। और बाकी जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए नमाज का फैसिलिटी भी है, हर नया मसल्ला बनाया है, जो भी जितना भी हर वक्त की नमाज यहाँ पढ़ सकते हैं, करेक्ट की नहीं? पढ़ सकते हैं ना। तो मुस्लिम्स के लिए नमाज का फैसिलिटी भी है, दूसरों के लिए भी यहाँ मंदिर बहुत नजदीक है, हमारे रूम के नीचे ही मंदिर भी है नहीं है? खाने के लिए सर कैंटीन, तो कैंटीन है, खाना ये इनका बोलने का मतलब है कि कैंटीन यहाँ है, बहुत सस्ते में मिलता है, जैसे 30 रुपीज 40 रुपीज में भी कैंटीन में मिलता है, और नीट हाइजीन खाना मिलता है और सस्ता खाना मिलता है, और हर स्टेट का खाना भी यहाँ मिलता है, करेक्ट नहीं? तो क्या बोलना चाहते हैं, सीखना है तो कहाँ सीखना? जीना है तो वजह होना, सीखना है तो कौन से उस्ताद होना? सोल्यूशन गुरु गुरु। ब्रदर्स, अगर आपको भी जिंदगी में अगर ये